गुड मॉर्निंग। टुडे वी हैव द टॉपिक, वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ए रूरल सोसाइटी। इन दिस टॉपिक के वी शैल सी, हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, हाउ द ग्लोबलाइजेशन कास्ट इट्स इम्पैक्ट, वेदर गुड और बैड और हार्मफुल और बेनिफिशियल इन द रूरल एंड विलेज सोसाइटी। हमारी एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है, जो हमारा फार्मर है, उसका बेस एग्रीकल्चर है। तो हाउ द एग्रीकल्चरल सिस्टम गॉट जस्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड इट्स पैटर्न एंड पैटर्न चेंज्ड बाई द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन and how even the big companies and the MNCs now entered in the agriculture system of India. Understand? And for meeting the international market requirements and the profits. Okay? So this MNC, the first we know that Bharat Sarkar, Government of India, now टिल द 1990 तक का अगर हम मानते हैं तो आवर गवर्नमेंट हैड जस्ट पुट ऑन द बैरियर्स अपॉन द इनफिल्ट्रेशन ऑफ इनफ्लक्स ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड द फॉरेन फूड्स द मार्केट फॉरेन गुड्स एंड मेनी थिंग्स ओनली द लिमिटेड इम्पोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया used to do on the quota system और heavy machines या जो भी requirement था भारत सरकार, और भारत सरकार ने आप जानते हैं कि एक restrictive policy भी अपनाया कि now to protect the our indigenous industries को या indigenous market को from the foreign competition से, क्योंकि India was now developing country, हम अभी आगे बढ़ रहे थे, खड़े हो रहे थे economy में, industries में, या agriculture तो ऐसे backward था ही हमारा, तो हम धीरे धीरे अपनी रिस्टोर कर रहे थे और खड़े हो रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ये सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ऐसा हुआ 90 तक गवर्नमेंट, सिंस द इंडिपेंडेंस टू 1990 तक भारत सरकार ने बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट एक ट्रेड, हम कहेंगे कि एक बैरियर्स उन्होंने लगा दिया, ट्रेड बैरियर जिसको हम कह सकते हैं, या जिसमें कि इन्फ्लक्स उन्होंने चेक कर दिया। और लेकिन 1990s के बाद जिससे हमारी इकोनॉमी को बहुत एक स्लैकनेस आ गया, इकोनॉमी में एक हम कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी और हमारी धीरे धीरे बहुत एक स्लैक हो गई और इसकी ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई इकोनॉमी का। ऐसे कंडीशंस में भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, तो इसमें भारत सरकार ने WTO के एडवाइस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन अपनाया। इट मींस दैट लिबरलाइजेशन मींस कि ऑल द बैरियर्स अगेंस्ट द इनफ्लक्स ऑफ द फॉरेन गुड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन गुड्स, फॉरेन टेक्नोलॉजी, ओके, इट वाज द रिमूव्ड अकॉर्डिंग एज द इंटरनेशनल ग्लोबल WTO के लॉज के अनुसार, इंटरनेशनल ग्लोबल टर्म्स एंड प्रोविजंस के अनुसार लिबरलाइजेशन की पॉलिसी। और इसमें क्या था कि इनफ्लक्स, फ्री फ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल्स इन इंडिया, फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन कंपनीज, ओके, फ्री फ्लो। तो हम देखते हैं कि ये जो फ्री फ्लो पॉलिसी अपनाई गई तो इसका इम्पैक्ट केवल इंडस्ट्रीज पर और हमारे मार्केट तक ही नहीं सीमित, दैट नॉट पेनिट्रेटेड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, रिमोटेस्ट एरिया ऑफ आवर कंट्री, इवन दो आवर फील्ड एग्रीकल्चर गांव का जहाँ खेत है वहां तक इसका इम्पैक्ट, गांव गांव में जो खेत फील्ड्स है उसके पैटर्न एंड उसके एग्रीकल्चरल पैटर्न में भी वहाँ नॉ। और द पॉलिसी of the globalization entails participation in world trade which aims to bring about the more international trading system, free trading system,
एंड रिक्वायर्स द ओपनिंग ऑफ द इंडियन मार्केट्स टू इम्पोर्ट, और WTO के इनिशिएशन से या उसके टैक्स के हमारे मार्केट को बिल्कुल ओपन गेट्स को फॉरेन गुड्स के लिए। एंड आफ्टर डिकेड्स स्टेट सपोर्ट प्रोटेक्टेड मार्केट्स, और इसके बाद जो स्टेट हमारा देश जो प्रोटेक्टेड मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा था फॉरेन, अब ये थी कि जहाँ पे एक जॉइंट्स है और एक बच्चे को कमजोर को खड़ा कर दीजिए तो वहाँ पे कमजोर कैसे लगेगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उस प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपनाई थी कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज भी बहुत अभी इन्फेंट कंडीशन में थे, एग्रीकल्चर बिल्कुल टूटे हुए कंडीशन में बिल्कुल वीक, तो ऐसे कंडीशन में बचाना था मार्केट को भी विदेशों से और हमारी मार्केट और हमारी जो इंडिजिनस इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथ और ज़्यादा वो डेवलप करे स्टेबल हो, तो इसके लिए लेकिन उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा एक रिमार्केबल कोई फायदा नहीं हुआ और हम इसी तरह हमारी इकोनॉमी घुटनों पर चलती रहे, दौड़े नहीं, अंडरस्टैंड। तो टिल दैट कि नाउ आफ्टर डिकेड्स ऑफ द स्टेट सपोर्ट प्रोटेक्टेड मार्केट, इंडियन फार्मर्स क्या किए, एक्सपोज्ड टू द कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल, जैसे ही ओपन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई तो हमारा जो बैरियर्स था ओपन कर दिया गया, तो ये एक्सपोज कर दिया गया इंडियन मार्केट्स को, बिल्कुल दरवाजा ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया वो दरवाजा ओपन और मार्केट्स में, और मार्केट्स में इन आवर मार्केट्स रिमोटेस्ट एरिया तक वो फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन कॉमोडिटीज एवरीथिंग बिगेन टू कम इन द इंडिया, और फॉरेन कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट के लिए हर चीज आने लगा, टेक्नोलॉजी आने लगी, कैपिटल आने लगा, मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम इंडिया, मूवमेंट्स ऑफ द ये मूवमेंट्स, ये इंटरेक्शन इंटरकनेक्टनेस से फ्रॉम द वर्ल्ड ये स्टार्ट हुआ बिगेन, और इसका डायरेक्ट हमारे किसानों पर फार्मर्स पर इम्पैक्ट था। और जैसे देखा जाए कि फ्रूट्स आप देखिए, फूड आइटम्स देखा गया कि हर लोकल स्टोर्स के सेल्स में रखा गया, भाई पता चला कहाँ का है ये, तो ये अफ्रीका का है, फ्रूट्स आता है ये ऑस्ट्रेलिया से आता है यहाँ पे, ये भाई ये कहाँ का एप्पल रखे होते हैं तो ये कहीं और से आता है, ग्रेप्स कहाँ से आ रहा है तो ये कहीं और का है भाई, तो वी सी दैट इन इवन इन द फ्रूट सेल्स द डिफरेंट एंड नाउ इम्पोर्ट बैरियर्स, और इंडिया डिसाइडेड टू, और इसके साथ साथ इधर एक और स्टार्टलिंग चीज है, फैक्ट्स है कि इंडिया नाउ इज डिसाइडिंग टू इम्पोर्ट द वीट फ्रॉम द फॉरेन वीट, जबकि आप जानते हैं कि ये आफ्टर 60s और 70s में हमारा मुहिम, हमारा स्लोगन क्या था भारत सरकार की, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना, जो आज आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस की जो पॉलिसी थी, और ये हुआ सक्सेस, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, कुछ ही सर्टेनली स्टेट्स ने क्या किया, हमें सेल्फ सफिशियंट बना दिया, मेड द आवर कंट्री सेल्फ सफिशियंट इन दैट, अगर पूरे कंट्री में अगर हम इस तरह के साइंस ये टेक्नोलॉजी को हम यूज कर लेते और ये और इरिगेशन सिस्टम्स को डेवलप कर लिए होते, टेक्नोलॉजी को यूज कर लिए होते, अंडरस्टैंड सिस्टमेटिक एग्रीकल्चर, तो आज हो सकता था कि पूरी दुनिया को खिला सकते, तो ये दिस इज द, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करी थी, तो एक शॉकिंग है किसी के लिए कि भाई वहाँ से हमें अब गेहूँ, जबकि हम सेल्फ रिलायंस में हम सेल्फ सफिशियंट है, हमारे यहाँ ओवरलैपिंग से FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आप देखिए उसमें ओवरलैपिंग है, गेहूँ क्या है सड़ रहे हैं लाखों क्विंटल, लाखों करोड़ों क्विंटल सड़ रहे हैं, उसके बाद भी वाई वी नीड द इम्पोर्ट ऑफ द वीट्स, क्यों, दिस इज द वेरी नॉटी क्वेश्चन टू बी टैकल्ड, ये नॉटी, ये एक नॉटी क्वेश्चन है हमारे लिए कि भाई ये व्हाट इज दिस, हम सेल्फ सफिशिएंट ओवरलैप कर रहा है एफसीआई ओवर, जो लिमिट हमारा लेने का उसके परचेजिंग का, उसे उसे कई गुना उससे ज्यादा उनको परचेज करके रखा हुआ स्टॉकिंग किया, और फिर उसके बाद हम इम्पोर्ट क्यों करें, व्हाई, तो ये दिस इज द अमेरिकन फूड ग्रेन्स की हम एक बिटर इंडिपेंडेंस के बाद रहा है, अमेरिका से जो हमारा रिश्ता था फूड सप्लाई में वो एक बिटर मेमोरीज हमारे साथ साथ जुड़ा हुआ है,
अगर देखा जाए कि दिस इंडिकेटर्स ऑफ ए प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू द लार्जर ग्लोबल मार्केट, जो हमारा एग्रीकल्चर है इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ ये लार्जर ग्लोबल मार्केट के साथ हुआ, एंड ऑन द रूरल सोसाइटी फार्मर्स हैड द डायरेक्ट इफेक्ट। और फॉर एग्जाम्पल लिया जैसे सॉम रीजन सच है, जैसे पंजाब है, कर्नाटका है, फार्मर्स इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद जो फार्मर्स हैं ये मल्टीनेशनल्स कंपनी के साथ ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगे पंजाब और कर्नाटक में मल्टीनेशनल्स कंपनी के साथ। क्यों? सर्टेन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जैसे उनकी उन्हें रिक्वायरमेंट था पोटैटो है, टोमेटोज है, और दिस कंपनीज इन्हें खरीदती थी, खरीदती हैं और इसके बाद ये क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है और इसका एक्सपोर्ट करती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट खेती की मतलब वो जो फार्मर है वो प्रोडक्शन पोटैटो का देगा कंपनी को, वो हमारे इंडियन मार्केट में कहीं इधर उधर नहीं ले जाएगा, सीधे वो कंपनी को देगा, उससे उसका पैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है उसका, उसका और वो कॉन्ट्रैक्ट है। एंड मोर देखिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में क्या क्या करता है वो, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम में कंपनी आइडेंटिफाइज द क्रॉप्स टू बी द ग्रुप, कंपनी क्या करती है क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करती है। सेकेंड प्रोवाइड्स द सीड्स टू द एंड अदर इनपुट्स, वो सीड्स जो रिच सीड्स होते हैं, उसके बाद अदर इनपुट्स जो है एग्रीकल्चर का वो करते हैं उस किसान को, पर्टिकुलर फार्मर को। थर्ड थिंग्स और नो हाउ तो ऑफन आल्सो वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद वो वर्किंग कैपिटल भी देती है भाई लेबर लगाने के लिए उसको एट ए टाइम कैश चाहिए ना, एट ए टाइम, तो उसके लिए वर्क उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आपके पास सब स्ट्रक्चर है लेकिन डेली एक्सपेंडिचर्स के लिए आपके पास होना चाहिए पैसा रन करने के लिए, तो उसके लिए वो क्या किया कि उसने वर्किंग कैपिटल उनको प्रोवाइड किया किसानों को, और इसके रिटर्न में फार्मर को क्या करना होता था, कौन सा फार्मर कैसे बॉन्ड था, एश्योर्ड ऑफ मार्केट, और फार्मर इज एश्योर्ड ऑफ ए मार्केट बिकॉज कंपनी गारंटीज देती थी फार्मर्स को कि नाउ दैट विल बी द परचेज प्रोड्यूस एट अ प्री डिटरमिंड प्राइस पर, ये भी कंपनी उसको कहती थी, इंश्योर करती कि तुम्हारा आप जो 100 क्विंटल पोटैटो का प्रोडक्शन करते हैं वो आपका इंश्योर्ड है कि वो बिकेगा, वो हम ले लेंगे, आपका सड़ेगा नहीं, लोकल मार्केट में ले जाकर आपको सड़ाना नहीं होगा या लो प्राइस में नहीं, प्री डिटरमिंड जो प्राइस है तय होता था दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के बीच, उस प्राइस पर वो कहता था कि हम लेंगे चाहे किसी भी चीज, तो ये चीज होता था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। कॉमन नाउ इन प्रोडक्शन नाउ स्पेशलाइज आइटम्स, जैसे कुछ आइटम जैसे फ्लावर्स, कट फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ग्रेप्स है, फिक्स है, प्रोमेग्रेनेट्स हैं, इसके साथ साथ कॉटन है, ऑयल सीड है, और वाइल द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपियर्स टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द फार्मर, और इससे फार्मर्स को ऐसा भी लगता था फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई उसको, उसका बिकना ही बिकना है, ऑलरेडी फिक्स्ड प्राइस है उसका। And moreover, or it can also lead the greater insecurity as a farmers become dependent on the companies for their livelihood. लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ तो सिक्योर हो गया कि ठीक है हमारा माल बिक जाएगा हमें उतना पैसा आ जाएगा, लेकिन दूसरी सिक्योरिटी है कि वो कंप्लीट रूप से वो कंपनी पे डिपेंड कर गया, वो फार्मर नाउ वॉज कंप्लीटली, अब वो डिपेंडेंट उसकी किस पे हो गई, कंपनी, कंपनी ही उसके लिए पूरी पेरेंट्स बन गई, एग्रो पेरेंट्स, एग्रीकल्चरल पेरेंट्स उसका कंपनी बन गई, एम्पेट्रोन बन गई कंपनी, तो पूरी कंपनी के हाथ का वो पपेट्स हो गए, हाँ, एंड पपेट्स इन द हैंड्स, एंड मोरओवर, और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में और फाइनेंशियल सिक्योरिटी फार्मर्स को मिला, पपेट्स बन गया वो, एंड नाउ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, तो जो भी प्रोडक्ट्स उसमें होते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, कंपनी को यहाँ लोकल मार्केट में थोड़ी बेचना था, कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना और वहाँ पे हाई प्राइस उसे पे करनी थी, तो ये इंटरनेशनल प्रोडक्शन से ग्रेन प्रोडक्शन, और इसमें क्या हुआ, नाउ डिसएंगेज्ड मेनी पीपल
फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस और मेक्स देयर ओन इंडिजिनस नॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर इरिलेवेंट। और ऐसा करने से जो उनके अपनी नॉलेज थी, इंडिजिनस प्रोडक्शंस की जो नॉलेज था, वो नॉलेज इरिलेवेंट हो गया कंप्लीटली, वो डाइवर्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स, वो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन से डाइवर्ट हो गया, जो कि हमारी बेसिक स्टेपल फूड ग्रेन्स की बेसिक प्रोडक्शन होना चाहिए था। जब गेहूं नहीं, आप केवल फ्लावर और कॉटन करेंगे तो खाएंगे क्या, व्हाट विल बी द ईट। तो दे आवर फार्मर फॉर द मनी एंड कमिंग इनटू द कॉन्टेक्ट, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, जो चीज रिक्वायरमेंट था खाने के लिए वो चीज पैसे के लिए उन्होंने वो अपनी एग्रीकल्चरल पैटर्न ही चेंज कर दिया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। तो दिस इज द एंड जो नॉलेज था उनका, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को केटरिंग में प्राइमरी जो नॉलेज था वो उनका डिस्ट्रॉयड हो गया, इरिलेवेंट हो गया। फर्दर एंड बिकॉज यूजुअली रिक्वायर्स हाई डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, उन्होंने क्या कर, अब वो रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी के पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट्स को वो हाई डोजेस ऑफ द फर्टिलाइजर्स उसमें स्प्रेड करते थे, पेस्टिसाइड्स डालते थे, अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल। और इससे क्या हुआ कि इकोलॉजिकल जो सस्टेनेबिलिटी थी, दैट सस्टेनेबिलिटी अफेक्टेड होने लगा, इकोलॉजी भी अफेक्ट हुआ। आप ज़्यादा मैन्योर्स और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स आप यूज करेंगे, इसके साथ साथ आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है, जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वो खत्म होने लगेगी। आपकी सैलिनिटी आ जाएगा, आपका सॉइल्स की जो ओरिजिनल्स जो फर्टिलिटी उसकी जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो जाएगी। आपको उतना उतना मैन्योर देना है, अगर आप 2 किलो 4 किलो ज़्यादा ही नहीं देंगे तो आपका वो प्रोडक्शन रिड्यूस कर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लागू होगा, उसकी अपनी यूटिलिटी तो खत्म हो गई। अब आप पूरी आर्टिफिशियल केवल मैन्यूअर पर ही और फर्टिलाइजर। तो ये चीजें अनदर मोर वाइड स्प्रेड जो एस्पेक्ट था ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर में, मल्टीनेशनल्स इनटू द सेक्टर सेलर ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, ऐसे इसके साथ मल्टीनेशनल कंपनी सेलिंग में भी इंटर कर गई, आपको प्रोवाइड करने लगी गांव गांव में, एजेंट्स भेजना शुरू कर दिया सीड्स को बेचने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी ने, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। और नाउ गवर्नमेंट हैज स्केल्ड डाउन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और मल्टीनेशनल्स के आने के बाद जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो पॉलिसी गवर्नमेंट अपनाती थी, लोगों को एजुकेशन इम्पार्ट करना, उन्हें अवेयर करना किसानों को और प्रोडक्शंस के लिए, वो काम गवर्नमेंट छोड़ दी, स्केल्ड आउट कर दिया गवर्नमेंट। और वो काम कौन करने लगा, ये मल्टीनेशनल्स कंपनी के एजेंट्स करने लगे। क्यों? टू रेज देयर प्रोडक्ट्स, टू रेज द सेल ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। अब ये हमारे क्या हो गए, ये दे बिकेम आवर सर्वेंट्स, वो हमें शिक्षा देने लगे फॉर गेटिंग द, ऐसी थोड़ी प्रिंसिपल्स कोई इम्पार्ट करता है अपनी सेलिंग्स के लिए, अपने उसकी क्वालिटी बताना शुरू कर दिया, उसके मेनी ऑफ दैट कन्विंस करना किसानों को। एंड मोर ओवर एक्सटेंशन एजेंट्स बीन रिप्लेस्ड विलेज बाय एजेंट सीड फर्टिलाइजर्स, दीज एजेंट्स आर ऑफन द सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फार्मर अबाउट द न्यू सीड्स एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस। और ये जो एजेंट्स थे मल्टीनेशनल्स के, ये हमारे सीड्स के बारे में नॉलेज देना, कल्टीवेशंस के बारे में नॉलेज देना, ये सभी प्रैक्टिसेस के बारे में दे बिकेम द एंड इंटरेस्ट ऑफ सेलिंग दे। और इसमें क्या इंटरेस्ट था उनका, क्या हो सकता है, अपनी सेलिंग करना, अपने फर्टिलाइजर्स का, अपने प्रोडक्ट्स का सेलिंग करना, दिस इज द। एंड मोर ओवर ए और बाई द इंक्रीज इंडिपेंडेंस फार्मर्स एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स विच हैज रिड्यूस्ड देयर प्रॉफिट्स। और जब इन्होंने उन्हें कन्विंस कर दिया कि आप ये फर्टिलाइजर्स आप ये यूज करिए, ये सीड्स यूज करिए, तो इसमें क्या हुआ, ये पूंजी रिक्वायरमेंट्स था, इसमें कैपिटल इन्वेस्ट होना था। और इस कैपिटल के इन्वेस्ट में क्या हुआ कि दैट नाउ रिड्यूस्ड द इनकम ऑफ द फार्मर्स, ये फार्मर्स के इनकम को कम कर दिया, उनके इनकम को अफेक्ट करने लगा। क्योंकि आप जितना न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करेंगे उसमें अधिक पैसा लगेगा, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस आपका बिगड़ेगा, ये दोनों तरह से। और सॉयल इरोजन ज़्यादा होगी, ये सॉरी सॉयल का जो फर्टिलिटी है वो कम होगा। मोर ओवर ये और ये
फार्मर्स इंडिया सेंचुरी हैव पीरियडिकली फेस्ड दिस टेस्ट। जानते हैं कि भारत इज इंडिया पीरियडिकली हम लोग फेस करता है, हमारा किसान जो है वो ड्रॉट्स हैं, ये फेमिन है, फ्लॉड है, डेप्ट है, फेनोमेना एंड द सुसाइड अपीयर्स विद द न्यू। फार्मर से डिस्टेंस ये फेस करता था, लेकिन एक एक फार्मर सुसाइड की जो प्रवृत्ति है, ये एक नया इंट्रेंस हुआ हमारे फार्मर्स में। पहले आत्महत्या फार्मर्स कभी सुसाइड नहीं करता था, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरेस्ट होने के बाद, इंटर होने के बाद हमारे विलेजेस में ये एक स्टर्न एक्शन फार्मर्स लेने लगे। और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये ट्रेंड शुरू हुआ हमारे इंडियन इकोनॉमी में, और खासकर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में। एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहा इसका मल्टीनेशनल्स कंपनीज का यहाँ पे इंटर करने पर। सोशलोजिस्टों ने इसका एक्सप्लेन करने का कि ये फेनोमेना हुआ कैसे, कि स्ट्रक्चरल एंड सोशल चेंजेस दैट हैव ऑकरिंग इन एग्रीकल्चरल एग्रीनेशनल, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी के आने के बाद और ये पैटर्न चेंज होने के बाद सोशलिस्ट ये मानते हैं कि ये एग्रीकल्चरल फिनोमेना चेंज हुआ और स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, सोशल चेंजेस हुआ, उसकी वजह से फार्मर वाज बाउंड टू हैविंग द देयर सोसाइटल एक्टिविटीज। नाउ कैसे सच सुसाइड्स हैव बीन द बिकम द मैट्रिक्स इवेंट्स। ऐसे सुसाइड को फार्मर जो सुसाइड करता है उसको मैट्रिक्स इवेंट्स सोशियोलॉजिस्ट उसको ट्रेस किया उन लोगों ने। कोई एक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि फॉर द वन इंसिडेंट्स मल्टी कॉजेस। फार्मर अगर किसान अगर किसी ने एक आत्महत्या किया है या उसने सुसाइड किया है, तो इसके पीछे कोई एक नहीं है, मैट्रिक्स इवेंट्स है ये, कई फैक्टर्स। कहने का मतलब कि उसके सुसाइड के पीछे देयर इज नो वन फैक्टर, मल्टी फैक्टर्स से कपल ऑफ फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट ए रेंज ऑफ फैक्टर्स कोलेसेस टुगेदर टू फॉर्म एन इवेंट। मेनी ऑफ फार्मर्स हु हैव कमिटेड सुसाइड्स वेयर, और इसमें ये भी स्टडी में पाया गया कि जो भी फार्मर्स थे वो मार्जिनल थे, एक फार्मर नहीं था सुसाइडल में। और मार्जिनल फार्मर्स अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज द, और उनका क्या ये था कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, प्राइमरली बाय प्रैक्टिसिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन मेथड्स। हाउ एवर अंडरटेकिंग सच प्रोडक्शन मीन फेसिंग ए सेवरल, लेकिन सच उसने तो हाई टेक्नोलॉजी अपनाया मान लीजिए, तो इसमें कई रिस्क थे, उस रिस्क को वो समझ नहीं पाया। एंड द नाउ क्या रिस्क थे, रिवॉल्यूशन मेथड्स में रिस्क थे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड, जो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर रहा है वो इंक्रीज कर गया टेमेनसली ड्यू टू द डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। उसका तो कॉस्ट बढ़ गया लेकिन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज भी कम हो गए, एक हेवी रीजन है, सब्सिडी जो मिलता था वो कम हो गया, हाई टेक्नोलॉजी में उससे ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया कर दिया, वो पैसा जो कुछ भी उसके पास लिटिल अमाउंट था वो खर्च कर दिया, सब्सिडीज नहीं है उसके पास। इसके साथ साथ मार्केट आर नॉट स्टेबल, बाजार का आप देखें, अब प्रोडक्शन तो किया उसको क्या उसको प्राइस मिला, कम मिलता है ज्यादा मिलता है, ये मार्केट अप है, सप्लाई वो डेली मार्केट पर डिपेंड है, सप्लाई पर, और सप्लाई पर उसके प्राइसेस से फिक्सेशन है। और इसके साथ साथ फार्मर बोरो हैवली इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट द एक्सपेंसिव इनपुट्स, अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हैवली कर्ज ले लेता है, बोरो लेता है, उधार लेता है, हाई इंटरेस्ट पर ले लेता है, ये भी एक रीजन हुआ वहां वो दबा। मोर ओवर लॉस ऑफ आइदर द क्रॉप्स ड्यू टू द एक्सपेंसिव एंड द प्रोडक्शन, लॉस ऑफ आइदर द क्रॉप्स, स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड देयर पार्ट। इसके साथ साथ मान लीजिए कि नेचुरल कैलामिटी की वजह से या किसी भी कारण से, एनी रीजन, टिड्डी ही आ रहा है जैसे टिड्डी दल आ रहा है, तो इससे उसका क्रॉप्स नुकसान हो गया, तो पैसा तो उसने हाई टेक्नोलॉजी यूज किया प्रोडक्शन के लिए, उसने बोरो लिया, उधार भी लिया, वो टेक्नोलॉजी भी यूज किया, मेहनत भी किया, और उसके टिड्डी आकर उसका पूरी फसल को बर्बाद कर दिया उसके क्रॉप्स। तो ऐसे कंडीशंस में, और ये एक्सेसिव रेनफॉल या ड्रॉट जो भी नेचुरल कैलामिटी हो, सम केसेस लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट मार्केट प्राइस में भी उसको नहीं मिला, मीन्स फार्मर्स आर अनेबल टू बियर द डेब्ट बर्डन सस्टेन देयर फैमिली। और इससे क्या हुआ कि वो जब ये क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे तो वो अपनी डेब्ट बर्डन को मीट नहीं कर सकते,
दूसरी बात, इसके साथ साथ उस पर क्या है, फैमिलीज लाइबिलिटीज हैं, बच्चे पर एजुकेशन है, उसके साथ मैरिज है, सेरेमनीज, लड़कियां हैं, मैरिज कर रहे हैं, डॉरी देना है उसे, तो मल्टी उसे एक्सपेंस करना है, इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट के लिए कर्ज लिया है, उसे पे ऑफ करना है, तो ये क्या है, इसी को मैट्रिक्स इवेंट्स कहते हैं। ये सारी चीजें उसको फोर्स क्या करती है, सुसाइड होती है, टॉयलेट कर पाता है। एंड मोर ओवर सच डिस्ट्रेस इज कंपाउंडेड बाई चेंजिंग कल्चरल इन रूरल एरिया, इंक्रीज द इनकम आर रिक्वायर्ड फॉर द मैरिज के लिए भी, उसके बाद डाउरीज, सस्टेन न्यू एक्टिविटीज, एक्सपेंसेस, एजुकेशन में, मेडिकल केयर में, हर जगह उसे खर्च करना है। तो पैटर्न ऑफ फार्मर सुसाइड पॉइंट्स द सिग्निफिकेंट क्राइसिस, और ये सुसाइडल जितने भी पॉइंट्स हैं, इंडिंग सुसाइडल सुसाइड के फैक्टर्स हैं, ये इंडिकेट करते हैं क्राइसिस, रूरल एरियाज आर एक्सपीरियंसिंग, ये इशारा कर रहे हैं कि रूरल एरियाज आर एक्सपीरियंसिंग दिस काइंड ऑफ द प्रेशर ऑन द फार्मर्स एंड बिकॉज ऑफ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फेनोमेन, बदल रहा है उस नए फेनोमेन में, खर्च तो बहुत बढ़ गया, मेडिकल है, एजुकेशन है, हाईटेक के जो इन्वेस्टमेंट किया है, मैन्यूर, पेस्टिसाइड्स, जो भी है खर्च बढ़ा उसका, उसको मेंटेन नहीं कर पा, ब्रॉड्स आ गया, खत्म कर दिया, पूरा स्पॉइल्स हो गया, तो ये सारी चीजें, और डिक्लाइन द सब्सटेंशियल्स। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो देती थी सपोर्ट, वो अब खत्म हो गया, धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है, और इन एडिशन एग्रीकल्चरल इश्यूज आर नो लॉन्गर की पब्लिक इशू, और सरकार इसको पब्लिक इशू नहीं मानती एग्रीकल्चर, और लैक ऑफ मोबिलाइजेशन मीन्स द एग्रीकल्चरिस्ट आर अनेबल टू फॉर, ये कोई पावरफुल इनका ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है कि जो प्रेशर डाले गवर्नमेंट्स पर इलेक्ट्रिसिटी सस्ता करने के लिए, मैन्योर सस्ता करने के लिए, सब्सिडीज प्रोवाइड्स करने के लिए, कोई इनके पास कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल पॉलिसी नहीं है, कोई ना ऑर्गेनाइजेशन बन पाता है ये प्रेशर डाल के गवर्नमेंट से कुछ ये एक्सट्रैक्ट करें या गवर्नमेंट से कुछ रिलीफ मिले। तो दीज ऑल फैक्टर्स क्या होता है, ये हार्ड फैक्टर्स बनते हैं एंड दैट विच लीड टुवर्ड्स द सुसाइडल सेट। ओके, टुडे वाज बच्चों आज से एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।